अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से पहले से ही सवालों के घेरे में हैं। अब सोशल मीडिया कंपनियों से उनकी ताजा तकरार से राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज को और धक्का लग सकता है। दरअसल ट्रंप और ट्विटर के बीच विवादों की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने मेल इन वोटिंग में जालसाजी की बात कहते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी थी। ट्विटर ने इस पोस्ट को टैग करते हुए रीडर्स को इसके बारे में चेतावनी दी। इसका साफ साफ मतलब था कि ट्विटर इस खबर के गलत होने की आशंका जताते हुए चाहता था कि पोस्ट को पढ़ने वाले लोग तथ्यों की पड़ताल करें, और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति को नागवार गुजरी। फिर क्या था, ट्रंप ने वही किया जो अक्सर वो करते आए हैं। ट्रंप ने ट्विटर को करारा जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। ट्रंप ने ट्विटर के जरिए ही एक के बाद एक कई जवाब दिए। सबसे पहले ट्रंप ने लिखा, ट्विटर बोलने की आजादी का दम घोट रहा है और मैं एक राष्ट्रपति के रूप में ऐसा करने की अनुमति कतई नहीं दूंगा। हम ऐसा होने से पहले कड़े नियम बनाएंगे या इसे बंद कर देंगे। टेक कंपनी पूरी तरह पागल होती जा रही है, देखते रहिए। ट्रंप और ट्विटर की लड़ाई यही नहीं थमी। अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप सोशल मीडिया को बचाने वाले कानून की समीक्षा के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर सकते हैं। ये कानून सोशल मीडिया की दिग्गज साइटों को यूजर के डाले कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाता है। हालांकि इस कानून को पास कराना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए कांग्रेस द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है। अब देखना होगा ट्रंप और सोशल मीडिया के बीच ये तकरार कहां जाकर थमती है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ट्रंप की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये नए स्तर पर पहुंच गई है।